अगर बाहर की दुनिया देखो ना, तो ऐसे ऐसे नीच और दरिंदे दुनिया में है कि जिसका कोई सीमा नहीं है। और एक ऐसी ही दरिंदे की बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करने वाली हूँ। और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। और जो भी चैनल पर नहीं हुआ आया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। और मुझे ना वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ा कि मैं अभी जब चेक कर रही थी ना, तो इसमें कुछ अनर्गल आवाज़ आ गई थी और अभी भी थोड़ी थोड़ी आ रही है, लेकिन माइंड मत करिएगा। और ये जो खबर है ना हरियाणा के किसी हिसार उस जिले की है, वहाँ पे एक मैंने न्यू देखा था। अभी 18 साल की थी और लड़की की उम्र 40 साल की थी, और वो एकदम से दबाव बना रहा था उससे शादी करने के लिए। और जब मना कर दिए सब, मगर जब जाना कि अब मेरी शादी नहीं हो पाएगी, तो उसका मतलब लड़की की मेहंदी देख के ना कलेजा, उसकी हाथों में मेहंदी लगी हुई है। और जिस दिन उसकी बारात आने वाली थी ना, उसी दिन का एक कांड है। उसके उसी शादी के सिलसिले में सामान की वजह से ना उसके पापा कहीं घर से बाहर गए थे। और पता चल रहा है ना कि ये सब गुमशुदगी का रिपोर्ट भी दर्ज करवाए थे, लेकिन उसके अगले दिन पता चल रहा है, जिस दिन मतलब शादी के एक दिन पहले वो गायब हुए थे। जिस दिन बारात आने वाली थी, शाम को बारात आने वाली थी, और मॉर्निंग में बगल में जस्ट उनके नहर है कहीं, वहीं नहर में ना उसकी डेड बॉडी उनकी पाई गई थी। तो वैसे अब समझ रहे हैं कि शादी वाले घर में क्या मच गया वो भी। तो और लड़की को देख के ना इतना मतलब कलेजा फट जा रहा है। और मैं स्क्रीनशॉट में उसका फ़ोटो लगा दूंगी आप लोगों को। और नहीं आप भी बताइएगा कितने लोग आप में से ये वाली न्यूज़ आपने देखा है, और नहीं देखा है ना तो आप इसको सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। ये आज का इस समय ये तेज़ी से वायरल हो रहा है। और इसका एक न्यूज़ आ रहा है ना, तो उसको मात्र 5 से 6 घंटों में 1 मिलियन पहुँच जा रहा है। मतलब इतना लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और लड़की के घर वालों का, खुद की लड़की का, और लगभग जो लोग भी देख रहे हैं, सबका यही डिमांड है कि उन दरिंदों को फांसी की सज़ा हो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें और लोग सपोर्ट करें। अब उसके फैमिली में कोई कमाने वाला नहीं रह गया, केवल लड़कियां ही लड़कियां बची हैं। और एक बूढ़ी माँ है, उनकी वाइफ है, तो सब लेडीजें ही लेडीज हैं। उनको मुआवजा के तौर पर उनका भरण पोषण करने के लिए अब मुआवजा भी दे, और ऊपर से जो जो इस कांड में शामिल हैं उनको फांसी की सजा हो। और लोग तो चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन वो बेचारी जिसकी बारात आने वाली थी, वो उस लड़की को देख के ना वो तो रो भी नहीं पा रही है। और क्या बताइए, न्यूज़ जब हम देखे ना तो ऐसे तो हमें लगता है कि यार ये कितना गंदा, कैसे हैं वो, कैसे हैं। लेकिन अगर हम सोशल, अगर मतलब हम अगर कुछ कुछ है चीज़ें ऐसे हमारे सामने आ जाती है ना, तो हमें अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता है कि ऐसे कैसे लोग दुनिया में हैं। और इनको मतलब इनके घर में माँ बहन नहीं होती हैं, या फिर ये उस कोख को भी ना शर्मिंदा करते हैं, उस कोख को भी कलंकित करते हैं जिस कोख से ऐसे लोग जन्म लेते हैं। अगर लड़की की कैसे बेमेल जोड़ी, सोचिए 4 साल 5 साल बहुत होता है, मिनिमम 6 7 साल, कहाँ 18 कहाँ 40। ये तो वैसे बेमेल जोड़ी हो गई। जब इतना उम्र का डिफरेंस होगा तो कौन लड़की शादी करना चाहती है, कौन चाहेगी? वो भी अपना हक, अपने उसको नहीं पसंद था, उसने मना कर दिया, तो अगर वो ना मिल पाए तो इसका क्या मतलब है? तुम जान ले लोगे? और मतलब एक आदमी के जाने से वही कमाने वाला था, वही घर का सारा जिम्मेदारी सब कुछ उन्हीं के सर पे था, उसे ही ले ली। अब उन सब का क्या होगा? उनके फैमिली में मतलब 4 या 5 लेडीज ऐसे हैं, बस कोई नहीं है कमाने वाला, और उनकी कोई और आमदनी भी नहीं है। तो क्या बताएं, उनका जीवन कटना, और उनके लिए क्या दुआ कोई कर सकता है कि कैसे उनकी आगे की लाइफ कटेगी? ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होता है बिना गार्जियन के, बिना किसी के सहारे जीवन काटना। अब जो भी सरकार क्या करती है, क्या कदम उठाती है, न्याय उनके साथ क्या न्याय होता है, तो अगर आगे का अपडेट मिलेगा तो मैं आप सबको बताऊँगी।
और मैं भी इस न्यूज़ को, मतलब मैं भी ना जब भी डाल रही हूँ तो मैं इस न्यूज़ को कम से कम आगे देखती चली जा रही हूँ। और मैं 3 दिन से इस न्यूज़ को देख रही थी, क्योंकि मुझे ना उसका उसका चेहरा, उस लड़की का मासूम सा चेहरा, ऐसे आंखों के से ना ओझल हो ही नहीं रहा है। तो ऐसा ऐसा हो, ऐसा ऐसा हाल है देश का। और ये जो दरिंदे हैं ना, ये कहीं पता नहीं, कहीं दूर नहीं, हमारे आसपास ही रहते हैं, बस हमारी हम समझ नहीं पाते हैं। और माता रानी से दुआ करिएगा कि इंसाफ हो और इनको कठोर से कठोर दंड मिले, इनको मुआवजा मिले, और माता रानी इनको शक्ति दें कि अब तो इनको सहन शक्ति बहुत ज़्यादा अपने आप को संभालना होगा। और आप लोग बताइएगा, आप में से कितने लोग इस न्यूज़ को देखा है, नहीं देखा है तो जाके सर्च करिएगा। सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा, बहुत तेज़ी से चल रहा है, देख लीजिएगा। और जो भी चैनल पर नया आए हो, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।